गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स, वेलकम बैक। मार्केट ओपन हो चुका है। देखिए अभी तो काफ़ी भयानक रेड कैंडल बन रही है। देखिए अभी तो बाइंग का व्यू है मेरा, लेकिन अगर ऐसे ही ये नीचे गिरेगा तो फिर थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा क्या करता है मार्केट। ऑलरेडी ट्रेडर्स हम एक पुट की साइड की पोजीशंस बनाएंगे, मैं आपको बताता हूँ क्यों। देखिए कहीं ना कहीं क्या है, क्लोजिंग से सपोर्ट ले रहा है। अगर ये इसका ब्रेक डाउन देगा तो फिर मार्केट कंटिन्यूस सेलिंग में जाएगा, फिर बाइंग में नहीं जा पाएगा मार्केट। देखिए कुछ W जैसा ब्रेकआउट भी हुआ और 47,000 का दोनों ने होल्ड कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से एक ट्रेड हमारे लिए बन सकता है। ऑल राइट ट्रेडर्स, हम यहाँ एक पुट साइड का ट्रेड मैं सोच रहा हूँ लेने की। देखिए पुट साइड का रीजन है, यहीं कहीं से मार्केट सपोर्ट ले रहा है एंड एक हमें डाउनफॉल मिल सकता है मेरे हिसाब से। तो चलिए हमने पोजीशन बना लिया। देखिए ट्रेडर्स, हमारा प्रीमियम बढ़ ही नहीं रहा। हमारे यहाँ टारगेट आ रहा है लेकिन प्रीमियम नहीं बढ़ रहा यहाँ। तो ट्रेडर्स आप देख सकते हैं, हमारा SL हिट हो चुका है। इंडेक्स में SL हिट नहीं हुआ लेकिन यहाँ SL हिट हो चुका है। ऑल राइट ट्रेडर्स, तो अपन ने सुबह सुबह ट्रेड लिया था। देखिए कहीं ना कहीं हम यहाँ पुट साइड का सोच रहे थे इस जगह, ठीक है। वो इसलिए सोच रहे थे हम क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं एक W का ब्रेकआउट हुआ था, 48,000 के ऊपर होल्ड कर रहा था मार्केट। एंड यहाँ भी कहीं ना कहीं देखिए क्लोजिंग से सपोर्ट ले रहा था, ये भी कहीं ना कहीं क्लोजिंग से सपोर्ट लेके होल्ड कर रहा था। तो अगर अब मैंने बात नोटिस की, मेरे से ट्रेड क्यों मिस हुआ है, वो देखिए मिस हो गया ये ट्रेड। यस देखिए, ये M के ब्रेकडाउन पे जिसने भी सेल किया होगा उसका SL होगा 48,000। अब गैप अप हुआ तो वो तो भाग गया। अब क्लोजिंग को देखते हुए, ये W को देखते हुए यहाँ कौन आएंगे, बायर्स आएंगे, तो हमें सेल करना चाहिए था और वो हमारा ट्रेड आप देख सकते हैं कितना सही हुआ है, ठीक है। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, मिस हो गया। सुबह मुझे ये M ज्यादा दिख रहा था, मुझे लग रहा था कि मे बी यहाँ तक मार्केट जाए, इसके बाद कुछ फॉल कर सकता है, ठीक है कोई बात नहीं, मिस हो गया तो हो गया। हमने फिर निफ्टी में ट्रेड बनाए। निफ्टी में मैंने कहीं ना कहीं देखिए इस जगह एक पुट बनाया था, अगर आपको याद है, इस जगह मैंने पुट बनाया था और ये जो हरी कैंडल है ना, ये वाली, इसी में मैं आउट हो गया क्योंकि मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया इसमें, ठीक है। मेरा टारगेट यहीं तक का था। देखिए मुझे क्या दिख रहा था, अब आप बोलेंगे सर आप खुद ही गलत कर दिए कि देखिए M का पैटर्न का ब्रेकडाउन दिख रहा है, लेकिन मुझे क्या दिखा, देखिए निफ्टी ने कहीं ना कहीं लोअर पॉइंट से ही रिजेक्शन लेके कैंडल क्लोज की। तो मैं चाह रहा था कि मतलब ये एक बार ऐसे ब्रेकडाउन दे दे, कुछ ऐसा पैटर्न जैसा भी बन जाएगा, फिर यहाँ मैं बाई साइड का एक ट्रेड प्लान कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैंने कहा मैं दोनों ट्रेड पकड़ूंगा, मैं पुट का भी पकड़ूंगा, मैं कॉल का भी पकड़ूंगा। तो इस चक्कर में मेरा आज ऐसे लेट हो गया। अब देखिए बाइंग में चला गया। अब देखिए इस ट्रेड में हमारा कितना लॉस हुआ था, 555 का। 27 पे लिया था, 22 पे हम एग्जिट कर गए थे, ठीक है यही। अब मैंने देखिए एक ट्रेड में और लिया, मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया मैं, लेकिन अब क्या है, देखिए इतना मार्केट क्या है, बार बार यहाँ से रिजेक्शन ले रहा था, यहाँ से रिजेक्शन ले रहा था। तो यहाँ क्या है, यहाँ लोग सेल भी कर रहे थे, यहाँ पैटर्न को देख के बाय भी कर रहे थे, तो यहाँ अब इसका ब्रेकआउट हो गया। अब ब्रेकआउट होने के बाद मुझे अभी भी डाउट हुआ, मेरे को लगा कि ये अभी भी ये ट्रैप करके ऊपर ही निकल जाएगा। तो मैंने कहाँ एंट्रीज बनाई, जब ये ट्रेंड लाइन से फिर से सपोर्ट लेने लगा, दो ऐसी कैंडल बनाई ना इसने, ग्रीन सी डूजी सी, तो मैं समझ गया, मैंने कहा ये अब ट्रैप करके नीचे आएगा, एटलीस्ट 22,500 का ब्रेकडाउन देगा। तो इसको देखते हुए मैंने इस प्रीमियम में एंट्रीज बनाई अपनी। देखिए एक बार ऐसे कर देते हैं, हमने एंट्रीज बनाई थी 51.65 पे, एग्जिट कर दी हमने 63.45 पे। देखिए कितना ऊपर गया था, हमें कुछ कुछ 18 पॉइंट 19 पॉइंट दिखते, बट डेफिनेटली हम वो बुक नहीं कर पाते। तो हम हमारे इतना टारगेट था पिछले ट्रेड में, हमारा कितना 500 600 का लॉस हुआ था आसपास, तो हमें 11 12 पॉइंट्स मिल गए इसमें, एंड दैट्स इनफ फॉर अस। देखिए कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी में मैं यही सोच रहा था, यहाँ एक सेलिंग आ सकती है क्योंकि देखिए ये रिजेक्शन वाली ऐसी मतलब ट्रेंड लाइन बना रखी थी, यहाँ सेल कर रहे थे तो इनको ट्रैप करते हुए मार्केट ऊपर आ गया। अभी देखिए ये यहाँ से एक और ट्रेंड लाइन इसने बना दी जिसमें ये बायर्स को इनवाइट कर रहा है। अब यहाँ कुछ आपको दिख रहा है, ये W पैटर्न का जैसा ब्रेकआउट भी हो चुका है, एंड ऑल्सो यहाँ भी कहीं आप देख सकते हैं, देखिए लोअर पॉइंट से कहीं ना कहीं मार्केट ने सपोर्ट लिया है। तो अगर मार्केट को यहाँ भी फॉल करना होगा तो मार्केट कुछ ऐसा करके, अगर आपको पता है ये कौन सा पैटर्न है, ठीक है, रिटेलर्स का फेवरेट पैटर्न, तो हम यहाँ बाय कर सकते थे। और फिर ये में भी ये कल क्लियर हो जाएगा, अगर मार्केट आज इसका ब्रेकडाउन नहीं दिया या कुछ किया, तो मे भी ये कल क्लियर हम प्लान आउट कर सकते हैं ऐसा कुछ।
बट मुझे दिख रहा था यहाँ कोई कहीं ना कहीं बायर्स आते हैं, यहाँ रिजेक्शन ली सेलर्स है, इनको ट्रैप किया, अब यहाँ डब्ल्यू को ब्रेकआउट दिया, यहाँ भी कहीं ना कहीं बायर्स आ रहे थे। प्लस कंफर्मेशन अपनी ये हो गई थी कि निफ्टी ने लाइफ टाइम हाई ब्रेक कर दिया, ये मतलब इसको ब्रेकआउट दे दिया, तो यहाँ भी कहीं ना कहीं बायर्स एक्टिवेट होंगे, तो एक हमें ट्रेड मिल सकता है पुट साइड का। हमने ट्रेड लिया और हमारा प्रॉफिट हुआ। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। इफ यू डिड मेक श्योर यू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर टू आवर चैनल विच इज प्रॉफिट पल्स। विल मीट यू गाइज इन द नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन। बाय।